सिर उड़ारियां की बात करें तो शो के आज के एपिसोड में आपने देखा कि जैस्मिन किस तरीके से एक के बाद एक फोटो पोस्ट कर रही है और जो बैकग्राउंड है वो कनाडा का है। फतेह ये देखता है और सोचता है कि जैस्मिन ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर फतेह ये सोचता है कि चलो अच्छा है, कम से कम घर वाले ये देख कर खुश तो होंगे। यहाँ पर फतेह के घर वाले देखते हैं फोटो और वो सोचते हैं कि चलो कम से कम ये दोनों कनाडा ठीक से पहुँच गए, लेकिन अभी भी सब तेजो को याद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी भी फतेह की माँ को ऐसा लगता है कि काश उनका बेटा वापस आ जाए और तेजो भी वापस आ जाए। अब यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर जैस्मिन जो है उसे एक होटल में जगह तो मिल गई है और जैस्मिन अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर तेजो और अंगद है कहाँ, और इसके लिए उसने स्वीटी को काम पर लगा दिया है। वेल यहाँ पर फतेह को एक रूम चाहिए होटल में। होटल वालों से वो माफ़ी मांगता जिससे उसने लड़ाई की थी और कहा कि वो जो कहेगा वो करने के लिए तैयार है, पर घंटे के हिसाब से फतेह को पैसे देने हैं होटल के रूम के। वेल अब आपको बताते चले कि यहाँ पर अब कल के एपिसोड में बड़ा ही इमोशनल सीक्वेंस आप देखेंगे। जी हाँ, ये इमोशनल सीक्वेंस ये होने वाला है कि फतेह को बहुत सारे जूठे बर्तन मांजने होंगे। फतेह ये बर्तन तो ज़रूर देखेगा, मांजेगा भी, लेकिन उसे याद आएगी तेजो, याद आएगी उसकी माँ, याद आएगी उसकी फैमिली कि कैसे वो नवाबों की तरह अपने घर में रहा करता था, तेजो उसका ख्याल कैसे रखा करती थी। ये सब बड़ा ही इमोशनल होने वाला है। इधर जो काम पे लगाया है जैस्मिन ने स्वीटी को, स्वीटी आकर बताती है कि तेजो और अंगद तो हैं ही नहीं, वो कहीं बाहर चले गए हैं और ये बात किसी को नहीं मालूम है कि वो कहाँ है। और इस वजह से जैस्मिन बहुत गुस्से में आ जाती है, उसका हाथ भी कट जाता है बोतल से, लेकिन वो कहती है कि जख्म तब तक नहीं भरेगा तब तक मैं बदला ना ले लूँ। और यहाँ पर अब तेजो जो है वो रिया से यानी कि अंगद की बेटी से पूछती है कि तुम अपनी माँ को बहुत याद करती हो ना, कैसी थी तुम्हारी माँ। वेल अब देखना दिलचस्प होता है कि भाई ये अंगद की कहानी क्या है और साथ ही साथ जैस्मिन कैसे पता लगाएगी कि तेजो और अंगद शिमला में है। वेल जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।